हेलो दोस्तों, तो चलिए अभी हमारा एडिटोरियल भी हमारा अभी प्रदूषण जो दिल्ली में छाया हुआ है उसी से संबंधित है। स्थायी समस्या का मौसम समाधान तलाशती व्यवस्था, तो ये इसके संपादक हैं ज्ञानेंद्र रावत। बाकी पूरे साल हम उसे याद नहीं करते। दिल्ली और राजधानी क्षेत्र का माहौल जब धुआं धुआं होने लगता है तो हमें पराली जलाए जाने के समाधान और विकल्पों की चर्चा करने लगते हैं। भले ही यह राजधानी के प्रदूषण का मुख्य कारण ना हो, लेकिन उसमें एक बड़ी भूमिका तो निभाता रहा। इसी कारण से दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा खलनायक ठहरा दिया जाता है। यह बात अलग है कि साल भर खुद दिल्ली ही नहीं, पूरे राजधानी क्षेत्र में जगह जगह कूड़े करकट खुलेआम जलाए जाते हैं। बावजूद इसके कि इस पर भी पाबंदी है, पंजाब हरियाणा में कटाई के बाद फसल के बचे हिस्से का जलाया जाना भले ही हर साल चर्चा में आ जाता हो, लेकिन हम अभी तक ऐसा कोई विकल्प नहीं खोज सके जो इसके बुरे असर से भी हमें बचाए और किसानों के लिए भी लाभ का सौदा हो साबित हो। पंजाब और हरियाणा में पराली का कुल उत्पादन 30 मिलियन टन से भी अधिक होता है। इसमें से लगभग 30 मिलियन टन पराली हर साल दोनों राज्यों के किसानों द्वारा 23 मिलियन टन पराली हर साल दोनों राज्यों के किसानों द्वारा जला दी जाती। आज जब हम पराली के धुएं से परेशान हो रहे हैं, तब हमें ध्यान रखना होगा कि इस साल अभी आधी से अधिक फसल की कटाई बाकी है। अभी उन्हीं किसानों ने अपनी फसल काटी है जिन्हें आलू मटर चारे का उत्पादन करना है। आने वाले दिनों में जब पूरी फसल कटेगी उस समय स्थिति और भयावह हो सकती है। उधर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह दावा करते नहीं थकता कि उसने पराली को जलाए जाने से रोकने के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। यह दावा भी उस हालत में है जब पंजाब में पराली के निपटारे की खास तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह इस भीषण समस्या का स्थायी समाधान निकाले, लेकिन हुआ क्या? यह सबके सामने है कि यही वह अहम वजह रही है जिसके कारण गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद खराब होने पर पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाए जाने पर अंकुश लगाने के लिए उच्च कार्यबल की सिफारिशों के बारे में वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। गौरतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पिछले साल 29 फरवरी को आदेश पारित कर चुका, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। वैसे पंजाब हरियाणा में पराली जलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। कहाँ किस पर कितना जुर्माना लगा ऐसी खबर भी अक्सर आती ही रहती है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 45% बढ़ी हैं। हरियाणा भी इस मामले में बहुत पीछे नहीं है। पिछले दिनों वहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान यह कहा गया कि सारे पुलिस बल और सरकारी अमला अभी भी चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए पराली जलाने की घटनाओं को एक हद से आगे रोकना मुमकिन नहीं हो रहा है। हालांकि चुनाव के बाद भी कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है, बेशक यह बहुत आसान भी नहीं है। एक सच यह भी है कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता में बहुत पीछे रहती। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पराली जलाने पर नियंत्रण लगाने में सरकार नाकाम रही, तो साल 2050 तक फसलों के अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण में करीब 45% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका खुलासा बीते दिनों जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन नामक शोध पत्र में किया गया। इसके अलावा सर्दी में प्रदूषण की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस की नली में सिकुड़न, घुटन, ब्रेन स्ट्रोक्स, डिमेंशिया, जोड़ों और ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोगों के शिकार लोगों की तादाद में बेहाशा बढ़ोतरी होगी। नवजात बच्चों तक के फेफड़े प्रभावित होंगे। ऐसी हालत में हम हमारे देश में आमतौर पर वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों का 23% अधिक हो चुका है, और संक्रामक बीमारियों में सांस संबंधी बीमारियों का 69% से कहीं ज़्यादा है।
व्यवस्थागत शिथिलता चिंताजनक है। यहाँ इस तथ्य पर भी गौर करने की जरूरत है कि वायु प्रदूषण से शंघाई और बीजिंग से भी ज़्यादा मौतें दिल्ली में होती है। तो चलिए, ये था हमारा प्रदूषण से संबंधित एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल।